भव्य जनों, आज भोपाल नगर की राजधानी भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के दानिश कुंज के मंगल परिक्षेत्र में, जहां भगवान शांतिनाथ विराजमान है मुंडा ग्रुप में, ऐसे परिक्षेत्र में विराजित आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव श्रेष्ठ महामाना मणिराज प्रमा सागर जी, प्रसाद सागर जी, आरा सागर जी, शैल सागर जी, निकलन सागर जी के सानिध्य में हम अपने आराध्य गुरुदेव प्रमा सागर जी श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। साथ ही तैयार हैं देश के सारे विदेश, देश विदेश के सारे लोग जो निरंतर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। मैं उन सबका तथा आपका इस समाज की ओर से वंदन अंजन करता हुआ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य गुणातन प्रणेता महामणिराज प्रमा सागर जी से संबद्ध कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर वर्षे, इसलिए मेरे साथ उच्चारे नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान सत्यन जी जैन मंडला वाले दानिश कुंज भोपाल, शिक्षा करें और तैयार रहें श्रीमती अरुणा जी सिंघई दानिश कुंज भोपाल। अरुणा जी सिंह तैयार रहे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी सरोवर के पंचवालती मुनिवाराजो को मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जो शंका है या मैं मार्गदर्शन चाह रहा हूँ कि प्रायः यह देखा जाता है कि चाहे वो जैन तीर्थ हो या शहरों के मंदिर हो या कोई भी इस तरह की कमेटी हो, जहाँ पर जब भी नए चुनाव संपन्न होते हैं तो उसमें जो गठित कमेटी है और पुरानी कमेटी है उनके बीच में वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद प्रायः देखने में आता है, जिसके कारण से नवयुवकों में एक असमंजस की स्थिति बनती है कि हम किसकी बात माने किसकी बात ना माने। तो कृपया इस तरह की जो शंकाएं हैं उसमें मार्गदर्शन प्रदान करें। इसका एक ही समाधान है, समाज में चुनाव ही ना हो। जहाँ चुनाव होता है जीतता कोई है, समाज हारती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं चुनाव की जगह मनोनयन की प्रक्रिया होनी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए यदि चुनाव भी हो तो वर्तमान और निवर्तमान में तालमेल हो। एक ऐसी प्रक्रिया बन जाए कि वर्तमान अध्यक्ष हो जाए तो निवर्तमान को उसका संरक्षक बना दिया जाए, आपस में मिलजुल करके काम करे तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन अब हमारी समाज में समाज नीति की जगह राजनीति हावी हो गई। पहले हमारे समाज में चुनावों की परंपरा ही नहीं होती थी, एक व्यक्ति को लोग मुखिया बना देते थे, उसके पीछे पूरी समाज नतमस्तक रहती थी, उसे अपना आदर्श मान करके चलती थी। लेकिन अब सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, हर कोई समाज का मुखिया बनना चाहता है और समाज के पद को लोग अपने स्टेटस का आधार भी बना लेते हैं और कुछ अर्थों में उसमें स्टेटस दिखता भी है। तो इस तरह की स्थितियां दिनों दिन बनती हैं। कायदे से देखा जाए तो समाज के पद के लिए किसी को खड़े होने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्यों? यहाँ तो हमें लगाना है, त्यागना है, पाना थोड़ी। चुनाव में खड़े हो तो राजनीति में हो, कहीं जीतो तो कुछ कमाओ भी, कुछ पाओ भी, यहाँ तो केवल लगाना है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र का युग है, मैं ये कहूँ कि चुनाव ही ना हो, प्रतिबंधित हो जाए तो शायद ये आज के समय में व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इसकी विकृतियों से बचा जा सकता है। एक सुझाव मैं देता हूं, निर्वाचन की प्रक्रिया को परिवर्तित करा जाए। हर समाज में जैसे मान लीजिए आपके इस मंदिर से 200 परिवार जुड़े हैं तो हर व्यक्ति के हाथ में 200 व्यक्तियों के नाम की लिस्ट दे दी जाए और उनसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति के नाम पर आप अपना सही का चिन्ह लगा दो जिसे आप अध्यक्ष के रूप में पसंद करना चाहते हो। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोग पसंद करे उसे अध्यक्ष बना दिया जाए और वो अपनी टीम बना ले। इसमें किसी तरह की लॉबिंग नहीं होगी, दलबंदियां नहीं होगी, कोई उम्मीदवार नहीं होगा, कोई प्रत्याशी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और हर घर से एक, कई संस्थाओं में, हमने तो कई संस्थाओं में ऐसा करा है,
जिसमें एक नाम पर आपको निशान लगाना है और बड़ा व्यवहारिक है और इसमें लोकतंत्र की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और उसके जो दुष्परिणाम है उससे भी बचा जा सकता है। छोटी समाजों में बहुत सहजता से जहाँ 100-200 परिवार जुड़े हैं उनमें तो ये बहुत आसानी से हो सकता है, जहाँ हजारों हजार घर है वहाँ थोड़ी कठिनाई है मुझे समझ में आता है, लेकिन छोटी समाजों में ये काम करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। बोलिए। उपस्थित श्रीमती अरुणा जी सिंह ही डायंस क्विन भोपाल, तैयार रहे हैं श्रीमान अंकित जैन फ्लोरिडा अमेरिका से। मंच पर विराजमान पंच परमेश्वरी मुनि महाराज जी को मेरे बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, आजकल समाज की महिलाएं किटी पार्टी में बहुत रुचि लेती हैं, यह किटी पार्टी पहले घर में होती थी अब बड़े बड़े होटलों में होने लगी है, इससे महाराज समाज के भविष्य को कोई खतरा तो नहीं है, इससे उपाय बताइए। इससे बड़ा और क्या खतरा होगा कि घर की मर्यादाएं बाहर जा रही हैं। देखिए किटी पार्टी के कारण घर बिखर रहा है, बच्चों के प्रति माँ बाप को जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, हमारे संस्कार निष्ठ नष्ट हो रहे हैं। महिलाओं में प्रगति हो विकास हो मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन संस्कारों के साथ। अब एक एक महिला 5-5 किटी पार्टी अटेंड करती है, ज़्यादा भी होंगे, हर किटी के अलग अलग खर्चे अलग, वो किटी में ही घूमते रहती हैं तो फिर परिवार में समय कहाँ मिलता, पिताजी व्यापार में माँ किटी पार्टी में बच्चे कहाँ, ये बहुत गंभीर बात है, इस पर विचार करना चाहिए। बोलिए। बहुत श्रीमान अंकित जैन फ्लोरिडा अमेरिका से, तैयार हैं श्रीमती आशिमा अमन जी जैन दानिश कुंज भोपाल। मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा से आए हैं सब परिवार, और एक प्रश्न था, हम लोग नियमित रूप से अभिषेक और भक्तांबर पाठ और बच्चों को जैन पाठशाला का अवसर मिल रहा है वहाँ पे, पर जस्ट पता करना था कि हम लोग जैनेतर बंधुओं में अगर जैन धर्म का प्रचार करना चाहें और कुछ स्वाध्याय करवाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। बहुत बहुत प्रसन्नता है, फ्लोरिडा जैसे शहर में रहकर जो 7 समुद्र पार है US में, और आप नियमित अभिषेक पूजन और भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं, भारतवासियों को सोचना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, निश्चित रूप से किसी मल्टीनेशनल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो गए, है ना, जॉब करते हो अपना बिजनेस है, जॉब करते हैं, और इतना समय वहाँ समय की प्रतिबद्धता है, उसके बाद भी धर्म के लिए समय निकाल रहे हैं, यह बहुत प्रशंसनीय है, और मेरा इस कार्य के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने लोग लगे हैं सभी को आशीर्वाद, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पर आपको विचार करना चाहिए, ये वे लोग हैं जिन्हें मुनियों के रोज प्रवचन सीधे नहीं मिलते, जिन्हें गुरुओं का दर्शन रोज नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इनके चर्या में मुनि और गुरु दिखते हैं, आप आगे बैठ करके रोज सुनते हैं, आप कहाँ हो आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा है वहां के रहने वाले जैनेतरों को जैन धर्म के विषय में हम कैसे बताएं, उन्हें जैन धर्म की आधारभूत बातें बड़े साइंटिफिकली बताएं, जैन जीवन शैली के बारे में बताएं, हमारा आहार विहार हमारे विचार हमारे खान पान की शुद्धि और सात्विकता हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, अगर ये बातें हम उन सबको बताएंगे तो वो बहुत अच्छे से अपनी तरफ आकर्षित होंगे और जैन धर्म को अपनाने के लिए उत्साहित भी होंगे। हमें ये बताना चाहिए, हम लोग प्राय जैन धर्म के बारे में बताते हैं तो जैन मुनि की कठोर चर्या के विषय में बताते हैं तो उनको लगता है ये जैन धर्म तो बड़ा कठोर है इम्प्रैक्टिकल है, हमें ये सब बातें नहीं बताना, हमें ये बताना है कि जैन धर्म की आधारभूत बातें कितनी अच्छी है, हमारे लिए खान पान में संयम रखना, शुद्ध जल पीना, शुद्ध भोजन करना, दिन में भोजन करना, नीति पूर्वक काम करना, कमिटमेंट को पूरी तरह से पालना, अनावश्यक झूठ नहीं बोलना, किसी का वायलेंस नहीं करना, किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करना, चोरी नहीं करना,
हमारे लिए एक्स्ट्रा मेरिटोरियल अफेयर्स से बच के रहना और पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना, लिमिट में रखना, ये लोगों के लिए बहुत प्रभावी है। हर व्यक्ति इस चीज को समझेगा कि नहीं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी तत्व है। जैन धर्म का असली रूप यही है। आप लोग या तो मुनियों की चर्या के बारे में बता दोगे या कहोगे पूजा करो, पाठ करो, नमोकार जपो, ये तो ऊपर के रिचुअल्स है। पहले उसे हम जैनिज्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराए। इस तरीके से जैन धर्म की बातें आप जन जन तक पहुंचाओ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैन धर्म जन धर्म बन सकता है, हर कोई इसे अपना सकता है। श्रीमती आशिमा अमानीजन दानिशकुंज और इनके पश्चात तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी आदित्य अपनी बात रखने के लिए। महाराज जी, मेरी शंका छैठाला से है। पंडित दौलत राम जी ने छैठाला की पांचवी अध्याय में एक लाइन लिखी है, सुदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो महाराज जी, इससे क्या तात्पर्य है? पंडित जी ने जब ये लिखा था तो क्या पहले के युग के लोगों को लिए लिखा था या आज का जो स्वार्थपूर्ण जो वातावरण चल रहा है उसको लेके लिखा था? ये आज की बीमारी नहीं है, बीमारी बहुत पुरानी है। और जीवन की ये सच्चाई है, सुदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सब अपने अपने लिए रोते हैं, दूसरों के लिए नहीं रोते, पता है? सब अपने लिए रोते हैं, दूसरे के लिए नहीं रोते। एक की पत्नी मर गई, वो बहुत फूट फूट के रो रहा था। धर्म पत्नी मर गई, वो बहुत फूट फूट के रो रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोग पहुंचे, बोले भैया क्या बात हो गई, साल भर पहले तेरी दादी मरी तू इतना नहीं रोया, 6 महीने पहले तेरी माँ मरी तू बिल्कुल नहीं रोया, आज तेरी पत्नी मरी तू इतना रो रहा है, तेरी पत्नी से तेरा इतना लगाव था क्या? बोले लगाव वगाव छोड़ो, जब मेरी दादी मरी मोहल्ले भर की दादियां आ गई, बोले दादी चली गई तो क्या हो गए, मैं तो हूं, मेरी माँ मरी सब आ गई, बोले वो चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूं, पत्नी मरी अभी तक एक नहीं आई। समझ गया ना, ये जीवन का यथार्थ। तैयार है श्री चंद्र जी श्रीकांत जैन हबीबगंज भोपाल और भैया जी अपनी बात रखेंगे। गुरु आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, पंच ऋषि राज महामुनि महाराजों की जय जय। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की हमारे विधान महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी श्रीमान प्रमोद जी हिमांशु और संजय पंकज जी सुपारी के नेतृत्व में आज प्रतिनिधि मंडल गया था और परम पूज मुनि श्री पंच ऋषिराज मुनि महाराजों के लिए और सकल दिगंबर जैन समाज के लिए परम पूज आचार्य परमेष्टी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब हम लोगों ने विधान की चर्चा की बहुत ही प्रसन्न हुए और एक भावना रखी थी कि हे गुरुवर, पंच ऋषिराज मुनि महाराजों के सानिध्य में जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन की बचत राशि हबीबगंज दिगंबर जैन मंदिर या जो आपका आदेश जो संकेत होगा वहां समर्पित होगी। गुरुवर ने पूरी समाज के लिए भरपूर आशीर्वाद दिया है और पंच ऋषिराज मुनि महाराजों के लिए दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया है। बंधु, मैं कहना चाहूंगा परम पूज इन संतों के सानिध्य में भोपाल नगर में प्रथम बार 84 मंडल सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत का महामंडल विधान 18 जनवरी से 26 जनवरी तक गुरुवर के आशीर्वाद और इन संतों के सानिध्य में प्रारंभ होने वाला है। बंधु, प्रथम दिन जब हमने मंडल की घोषणा की थी, विधान की घोषणा की थी, उसी समय लगभग हमारे पास 94 नाम आ चुके थे। लेकिन जिसका पुण्य होता है, जिसका पुण्य होता है, जिसका भाग होता है, उसको ही संतों के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत से श्रावक परिवार ऐसे हैं, हमारे पास 84 मंडल पूरे हो चुके थे लेकिन 14 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, इस कारण से उन्होंने अपने मंडल कैंसिल कर दिए हैं, उनके मंडल कैंसिल हुए हैं, तो आपका सौभाग्य जागा है। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार के साथ
संतों के सानिध्य में इस महामंडल विधान का लाभ लेना चाहते हैं, जीवन में एक बार सिद्ध चक महामंडल विधान करके सिद्ध भगवंतों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो 14 मंडल जो हमारे कैंसिल हुए हैं उन मंडलों में आप अपने नाम लिखाकर अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। और राशि रखी गई है मात्र 1,51,000 रुपए की। और बंधु, अब भोपाल वालों के अलावा पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अब ये पूरे भारतवर्ष के लिए 14 मंडल आरक्षित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बाहर रहते हैं और मुनिवर के सानिध्य में, इन संतों के सानिध्य में हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना चाहते हैं, तो आप पारस चैनल में और जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। भोपाल वालों के लिए तो अपने घर में रुकने की व्यवस्था है, लेकिन 14 मंडल अगर हमारे बाहर के आरक्षित होते हैं तो उनके आवास, भोजन, इंद्रनाणी की जो वस्त्र आभूषण, संपूर्ण व्यवस्था कमेटी की ओर से की जाएगी। बंधु, कुछ तकनीकी कारणों के कारण आज 15 तारीख से हमारे इंद्रनाणी मंडल पुण्यार्जकों को किट वितरण, इंद्रनाणी के वस्त्र आभूषण वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होना था, लेकिन कुछ कारणों से आज वितरण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। और कल प्रातःकाल 11 बजे से जहां जहां के स्थान हमने निश्चित किए हैं वहां आप अपनी रसीद दिखाकर किट प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रनाणी के वस्त्र आभूषण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामान्य इंद्रनाणी के लिए राशि निश्चित की गई है मात्र 7100 रुपए की, सिंगल इंद्र और सिंगल इंद्राणी के लिए राशि निश्चित है 5100 रुपए की। हमारे कुछ स्थान सीमित है, अगर आप चाहते हैं पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो इंद्रनाणी के रूप में, सिंगल इंद्र के रूप में या सिंगल इंद्राणी के रूप में, और ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो इस अनुष्ठान में जो भी संयोजना चल रही है उन संयोजनाओं में भी सहयोग देकर आप शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। पुनः पुनः सकल जैन समाज भोपाल के लिए गुरुवार का भरपूर आशीर्वाद मिला है, उत्साह उमंग के साथ हमारा यह आयोजन प्रारंभ होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि इंदौर में 26 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 18 जनवरी से 26 जनवरी तक एक कार्यक्रम होगा। 26 जनवरी को यहां पर कार्यक्रम समापन होगा और इंदौर में आचार्य जी के सानिध्य में 10 मंदिर के पंचकाव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम 26 जनवरी से 1 फरवरी तक संपन्न होगा। और बसंत पंचमी 30 तारीख को आ रही है, आज कुछ सूचनाएं ऐसी लग रही है कि बसंत पंचमी को शायद कुछ वहां पर और अतिशय हो सकता है, क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, गुरुवार जानते हैं और कोई नहीं जानता है, क्योंकि गुरुवार को बसंत पंचमी तिथि बहुत प्रिय है। आज विनय भैया ने कहा था कि बसंत पंचमी को तप कल्याणक है और तप कल्याणक में हो सकता है गुरुवार के हाथों से और कुछ भी हो जाए। तो बनो, पुनः पुनः आपसे कहना चाहूंगा 18 तारीख को हमारा ये आयोजन प्रारंभ होगा। 17 तारीख की शाम को जैसी मुझे जानकारी मिली है, हाँ जी, 18 तारीख को श्री जी की शोभा यात्रा, घट यात्रा जवाहर चौक दिगंबर जैन मंदिर से दोपहर में ठीक 12:30 बजे से प्रारंभ होगी। 1791 पालकियां इस जवाहर चौक मंदिर से निकाली जाएंगी और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पांडाल में पहुंचेंगी, वहां ध्वजारोहण, पांडाल उद्घाटन, मंडप शुद्धि, परम पूज, ऋषि राज मुनि महाराजों के मंगल प्रवचन होंगे और अन्य अन्य व्यवस्थाएं होंगी। इसके अलावा 18 तारीख से 26 तारीख के प्रवचन शंका समाधान का कार्यक्रम उसी पांडाल, उसी विधान स्थल पर संपन्न होंगे। पुनः पुनः बाहर के नगरों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए सूचना है, 14 मंडल कुछ कारणों से हमारे परिवार ने कैंसिल कर दिए, अगर आप चाहते हैं कि यह मंडल अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं तो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडलों को आरक्षित करा सकते हैं। उपस्थित हूं श्रीमती चंद्रा जी, श्रीकांत जी, हबीबगंज भोपाल। एक मिनट भाई, कुछ बोलना है पंकज, बोलो। बंधुओं, आज सुबह गुरुवर के चरणों की वंदना करने का अवसर मिला और गुरुवर की प्रसन्नता और गुरुवर का दोनों हाथों से आशीर्वाद मध्य प्रदेश की राजधानी को मिला। मैंने तो भावुक होकर यही कहा, गुरुवर भोपाल पास है, गुरुवर भोपाल पधारो, पर गुरुवर तो अपनी बात को ऐसे कह देते हैं, पर अपनी भावना है कि हम चाहेंगे कि गुरुवर का सानिध्य भी भोपाल में मिले, पर हमको कुछ इस परीक्षा की घड़ी में,
इस आयोजन के माध्यम से जो प्रस्तुति करना है वो ऐसी करना है कि गुरुवर प्रसन्न होकर हमको ये आशीर्वाद दे कि हम आपका भोपाल में स्वागत मतलब न्योता स्वीकार करते हैं। और बंधुओं, सामान्य इंद्रदानी बनने के लिए आप जो संख्या है अधिक से अधिक लोग भाग दें, अपना नाम लिखवाए। दिनेश जी हमारे मौजूद हैं यहाँ जिनके पास रसीद कट्टा है और वो देखिए बहुत सारी बातें हो गई आयोजन की, कुछ बात मैं बोलना चाहूँगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, आज 15 तारीख हो गई, 16 और 17 दो दिन बीच में है। 18 तारीख को इस महाअनुष्ठान की भव्य शुरुआत होने जा रही है। आप सबसे मैं ये कहूँगा 18 तारीख को आप भोपाल के इतिहास के अनूठे दिन के रूप में सुनिश्चित कर लीजिए। भोपाल नगरी के इतिहास में पहली बार 91 तीर्थंकर भगवंतों का श्री विहार होगा, ये अपने आप में एक अनोखा दृश्य होगा। आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन भले कि हालांकि वो वर्किंग दिन है, शनिवार है, पर मैं कहूँगा अपना सारा कार्य रोक कर उस कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होना है। बच्चे भी अपने स्कूल को भूल जाए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाओ, तुम्हारा सारा शनिचर उतर जाएगा। सिद्ध चक्र विधान में बच्चे बच्चे का उत्साह होना चाहिए। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे और आसपास के लोग भी अगर आए तो ये जिन शासन की प्रभावना की अनूठी घड़ी होगी, उसमें घट यात्रा भी है, पालकी भी है, रथ यात्रा भी है और देवशास्त्र गुरु तीनों हैं। और अभी तक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकमात्र शोभा यात्रा है, समापन के दिन कोई शोभा यात्रा नहीं है क्योंकि 26 तारीख को विधान में ही 3 बज जाएंगे। इसलिए ये एक अच्छा अवसर है, अभी से आप सब लोगों को सूचनाएं अपने अपने माध्यम से देने लगे पहुंचाए और एक ऐसा वातावरण बनाए जो पूरे देश में एक मिसाल बने, पूरी देश की दृष्टि इस कार्यक्रम के ऊपर केंद्रित हो। इसी के साथ जैसा अभी बताया गया, कई लोग नाम भी लिखा देते हैं, इन मौके पे पीछे रहना पड़ता है, और कई ऐसे होते हैं जो चाहते हैं पर उनको अंतराय आ जाता है। मुझे बताया गया कि शुरुआत में 94 नाम आ गए लेकिन अभी तक 70 ने ही कन्फर्म किया है। ये एक लोगों के साथ गड़बड़ हो जाता है, उससे कई लोग वंचित हो जाते हैं। जिस समय नाम यहाँ घोषित किए जा रहे थे इतने लोग थे उत्साहित, वे सब बेचारे वंचित हो गए। आगे से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अभी भी नाम दो तो कमिटमेंट को पूरा करो। जो लोग नाम दे के पीछे हट रहे हैं वे उन सब के लिए अंतराय डाल रहे हैं जो उनके कारण से लाभान्वित नहीं हो पाए। धार्मिक कार्यों में जब भी हो तो सोच समझ करके नाम देना चाहिए और नाम दो तो कभी पीछे मत आओ। सौर सूतक लग गई, एक व्यवस्था अलग है। कुछ की सौर सूतक लगी लेकिन 14 की सौर सूतक नहीं लगी, 5-7 की लगी। तो ये व्यवस्थाएं आप सबको देखना है, अब ये अवसर है। और इसीलिए मैंने कहा पहले बाहर के बहुत नाम आ रहे थे, मैंने रोक दिया था कि भोपाल वालों को ही लाभ मिले। अभी भी भोपाल तक ये सूचना जाएगी, कल तक तो ये बोला जा रहा था सारे नाम हो गए, लेकिन अब वास्तविक स्थिति है। तो जिनको जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल का लाभ लेना है ये अनूठा मौका आपको मिल रहा है, आप लाभ लीजिए। 2 दिन का समय शेष है, कल तक आप अपना स्थान सुनिश्चित कर दीजिए। और मैं कमेटी से कहूँगा जिसका नाम पहले आ जाए उसे पहले स्वीकार कर लीजिए और उत्साह के साथ इस विधान को संपन्न करिए। विधान की ऐतिहासिक सफलता होगी, इसमें कोई संशय नहीं। और आज गुरुदेव का आशीर्वाद भी यहाँ की समिति ने ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में ले लिया है, आप सब उसका पूरा लाभ लें। बोलिए आगे। उपस्थित हूँ श्रीमती चंद्रा श्रीकांत जी जैन हवीगंज भोपाल से, और तैयार रहे हैं श्रीमान प्रवीण जी जैन ठमीवाले भोपाल। श्रीमान प्रवीण जी जैन प्रवीण जी जैन ठमीवाले भोपाल से उपस्थित हो। तैयार है श्रीमती क्रांति जी जैन मंदाकिनी भोपाल। जल्दी बोलिए। ओ भाई, ओ बोलो भैया। ओम
उपस्थित हूँ। श्रीमती क्रांति जी आप बताइए, क्रांति जी बोलिए आप मंदाग्नि से। मंच पर विराजमान पंच परिष्टि साधु भवन को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रवीण जैन ठेमी नरसिंहपुर आपकी चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। मेरा प्रश्न महाराज जी, मात्र शंका के आधार पर किसी के प्रति बुराई रखना एवं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न कलेश या रिश्तों में खटास को कैसे दूर करें, प्रभु समझाइए। शंका के आधार पर क्लेश होता और आपने पूछा है उसे कैसे दूर करें। देखिए, शंका उत्पन्न क्यों होती है? गलत फहमी के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण। इस मिसकम्युनिकेशन को प्रॉपर कम्युनिकेशन से खत्म कीजिए और जब आप सामने वालों से संवाद स्थापित करेंगे तो आपके मन की शंका और भ्रम निकलेगा। नहीं तो शंका एक बहुत बड़ा घुन है जो हमारे अंदर की शांति को खोखला करता, हमारे जीवन और संबंधों को ख़त्म करता। इसलिए अपनी शंकाओं को ख़त्म करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। जिनके मन में शंका होती है वो कभी सुखी नहीं होते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी धर्म पत्नी को उस पर बड़ी शंका है और बड़ी मुश्किल है जीने में। उसकी बेटियां उसे ये शंका है कि बाप बेटी में ही कुछ गड़बड़ है और व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा है लेकिन वो ऐसी शंका है जिसका कोई उपाय ही नहीं। वो तो व्यक्ति धर्मात्मा है नहीं तो अभी तक दोनों का रास्ता अलग हो गया होता। तो हमें इस तरह की आधारहीन शंकाओं से बचना चाहिए। मंदाकिनी और तैयार है श्री निर्मल कुमार जैन कोला रोड मंदाकिनी। साधु परमेश्वरी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बाहर की आंखों से देखने पर भीतर की आंखों पर असर पड़ता है क्या? किसी धर्मात्मा की बहिरंग परिणति निर्मल दिखती है तो अंदर की श्रद्धा की आंख भी मुस्कुरा जाती है क्या? और बाहर की आंख ही अच्छा नहीं देख पा रही है तो अंदर क्या श्रद्धा बचेगी क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बाहर की आंखों का भीतर की आंखों में संबंध। देखिए, एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाहर का निमित्त भीतर को प्रभावित करता है, पूरी तरह करता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, इंद्रिय जय करना है तो अंतर्मुखता बढ़ाओ, विषयों से विमुखता रखो। उन निमित्तों से, सब प्रकार की भौतिक और मानसिक निमित्तों से अपने आप को दूर रखो जिससे इंद्रियों में विकार उत्पन्न होते हैं। अगर कोई कहे कि हमारे भीतर पवित्रता है बाहर कुछ भी हो तो वो सामान्य अवस्था में संभव नहीं। इसलिए बाहर का असर भीतर पड़ता है, यानी हम बाहर जैसा देखते हैं भीतर वैसा डोलता है। लेकिन दूसरे तरफ से हम देखें तो कई बार अंतर भी दिखता है। व्यक्ति के बाहर मुस्कुराहट होती है, अंतरंग में कुटिलता। ये एक कृत्रिम मुस्कुराहट है। सहज रूप से देखें तो दोनों में साम्य होता है। तो इसे हमें दोनों तरह से समझना चाहिए कि बाहर जैसा हो वैसा भीतर होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन निमित्तों की दृष्टि से देखें तो बाहर के निमित्तों का भीतर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हूँ तैयार है श्रीमान अतुल जी साहेबरा भोपाल आनंद मुनि भक्त। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि करोड़ों में एक मुनिराज होते हैं तो किस पुण्य कर्म के कारण होते हैं और ये पहले से पूर्व निर्धारित होता है क्या? करोड़ों में एक मुनिराज होते हैं किस पुण्य कर्म के कारण होते हैं? देखो, पुण्य तो होता ही है। अभी झंझट में मत पड़ो कि महाराज कौन से पुण्य कर्म के कारण है। ये देखो कि मुझे मेरे कैसे पुण्य कर्म का उदय कि मुनिराज की शरण में आने का मौका मिला और इसका फायदा। आइए ADGF यशस्वी श्रीमान अतुल जी शाहपुरा भोपाल और तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी जैन दानिश कुंज भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, पंच परमेष्ठियों को नमोस्तु और मेरा सत्सत नमन। गुरुवर, मैं दो छोटे छोटे बात करना प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे जैन दर्शन और फिलॉसफी में ध्यान, तप और तपस्या का बड़ा महत्व है। जैन धर्म के समकालीन
बुद्ध के समय में एक विपस्सना उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था, तो विपस्सना की एक फिलॉसफी थी कि कर्मों की निर्जरा समता से हो सकती है, और उस विपस्सना का एक मुख्य बिंदु यह है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी क्षण को, द टाइम विल कम एंड इट विल पास अवे, हम किसी भी चीज़ पर कोई रिएक्शन नहीं करें, न राग करें, न द्वेष करें, न सुख में सुखी हों, न दुख में दुखी हों, और इस भावना से हम कर्मों की निर्जरा करें तो हमें मुक्ति का साधन बन सकेगा। गुरु, मैं जानना चाहता हूँ कि एक गृहस्थ के रूप में कर्मों की निर्जरा हम लोग कैसे करें, क्या देव दर्शन से, क्या सामायिक से, अथवा तत्व चर्चा से, अथवा बहुत तप और त्याग से, या जीवन की विलासिता को पूर्ण करके किस तरह हम कर्मों की अपनी निर्जरा करें। दूसरा, इसी से एक संबंधित और मेरे ध्यान में, जहन में एक बात आती है गुरुवर, हमारे और बहुत से ऐसे मूवमेंट, ऐसे क्षण होते हैं जिसमें कि ये बताया जाता है कि कर्मों की, भावों की विशुद्धि और पुण्यों की विशुद्धि यदि उच्चतम समाधि मरण का भी, समाधि मरण तो नहीं कहे, समाधि में भी, ध्यानस्थ में भी यही बात आती है कि अंतिम क्षण में मुक्ति अथवा देव या अच्छे विशुद्ध भावों की विशुद्धि बहुत हो जाए तो हम उच्चत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या जीवन भर हम यदि कर्मों धर्ममय ना हो, पाप करते रहे किसी भावना से, तो हम क्या अंत में क्या कर सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। सबसे पहला, बौद्धों के यहाँ प्रवर्तित विपश्यना को निर्जरा का साधन बताया और उसमें क्षमता को मूलतः निर्जरा का हेतु बताया। आपने पूछा है जैन धर्म के संदर्भ में इसे कैसे देखा जाए, जो उन्होंने कही जैन धर्म में उससे और आगे तक की बात की गई। जैन धर्म में कहा गया है कि तुम जो कुछ भी करो क्षमता के बिना सब धूल है। क्षमता हमारा मूल शब्द है, पर वो क्षमता क्या है? राग देश से रहित सहज शांत परिणाम। उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए ध्यान की साधना हमारे यहां है, लेकिन उस निर्विकल्प दशा में हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो निचली भूमिका के लोगों के लिए कुछ रिचुअल्स दिए गए, एक है शुद्धि, एक है विशुद्धि। विशुद्धि बहुत सहजता से आ सकती है, शुद्धि के लिए हमें विशेष प्रयत्न करना होता है। विशुद्धि का मतलब है अहोभाव, कोई निमित्त पाकर हृदय की जब प्रसन्नता बढ़ती है, अंदर का भाव विशुद्ध होता है तो विशुद्धि बढ़ती है। वो हमारे पूजा पाठ, सामायिक, स्वाध्याय, तत्वचर्चा, सत्संग, ये सब विशुद्धि के निमित्त हैं। इस विशुद्धि के बदौलत हमें पुण्य का बंध भी होता है, अंतरंग में पवित्रता आती है और हमारा पाप घटता भी है। लेकिन शुद्धि तब होती है जब हम अपने अंदर की कलुषता को समाप्त करते हैं, और ये साधना की उच्च अवस्था है जो ध्यान के बल पर होती है। उसमें परम निर्जरा है, ध्यान को परम तप कहा, और हमारे यहाँ ध्यान के विषय में कहा गया है माँ चिट्ठा माँ जम्पा माँ चिट्ठा किम विजीन हो इथिरो अप्पा अपम मिरो इनमे हवे परम ध्यानम। कोई चेष्टा मत करो, कोई जल्प मत करो और कोई चिंतन मत करो, आत्मा को आत्मा में स्थिर रखो। आने वान जाने वाले पल को केवल जानो और देखो, सब पल बीत सकना। सुपुत्र पंडित शास्त्री और तैयार रहेंगे पंडित प्रवर्सी सुदर्शन लाल जी जैन राष्ट्रपति प्रकाश सम्मानित भोपाल। मंच पर विराजमान पंच साधु परमेष्टियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अभी विगत 3 वर्षों से आचार्य श्री के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार, गर्भस्थ शिशु संस्कार करने का एक बीड़ा उठाया है, और उसी संदर्भ में 12 स्थानों पर बहनों को, दीदियों को सिखाए दिए हैं जो वहाँ पर नियमित रूप से कर रही। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 75 महिलाओं के संस्कार हुए थे, उसमें से इतने अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहे हैं कि जिसको डॉक्टर कह देता है कि नहीं, इसका बच्चा अब गड़बड़ है पेट में और अब इसको
डीएनसी कराने के अलावा कुछ विकल्प नहीं, इनको गिराना पड़ेगा। उनको संस्कार वाले बच्चों को जब दोबारा अगले महीने टेस्ट कराने जाते हैं तो वो नॉर्मल डिलीवरी के साथ में बालक उत्पन्न हो रहा है अच्छे से। ये बहुत से केस आए हैं, इसमें वो केस भी आ रहे हैं जिनके बाल बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं। मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि उसमें भी हमने संस्कार दिए हैं, आगम के अनुसार दिए हैं और उसमें हम गहराई तक पहुंचे हैं, तो 10 में से 8 लोगों के सामने हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो ये हैं कि उनको जो बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं वो उनकी अपनी कमी, घर के सामंजस्य और आपस में सद्भाव की कमी के कारण यह ऐसा परिणाम दूषित हो रहा है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि उन सबको इस प्रकार की शिक्षा मिले कि इस प्रकार के वातावरण को न करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ इस भाव से कि आज आपको एक नए रूप में मैंने देखा है। एक विद्वान होने के साथ साथ संस्कारों की सुरक्षा की जो पहल आपने गुरुदेव के आशीर्वाद से की है वो बहुत प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है। जहाँ तक गर्भ संस्कार की बात है, हमारे शास्त्रों में गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय के भेद से 3 प्रकार के संस्कार हैं और इन संस्कारों से आज की पीढ़ी अनभिज्ञ है, अनजान है। हमें इन संस्कारों को पुनः प्रवर्तित करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि यदि विधिवत गर्भ संस्कार किया जाए तो आप पराक्रमी, प्रबुद्ध, समर्थ और संस्कारी संतान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उससे आने वाले संतान का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक तीनों प्रकार का विकास हो सकता है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुए हैं। जैन परंपरा से भी गर्भ संस्कार की विधि आज प्रवर्तित है। वैदिक परंपरा में भी गर्भ संस्कार की विधि को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है और मुझे ये कह करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बड़े बड़े चिकित्सक इसे प्रवर्तित कर रहे हैं। मुंबई के कई बड़े चिकित्सक हैं, डॉक्टर गीतांजलि शाह जैसी, जो खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होने के बाद भी इस बात को आगे बढ़ा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे सुझाव है कि आप इन संस्कारों की तरफ ध्यान दें और गर्भ संस्कार को विधिवत करें। कुछ लोग चाहते तो हैं संस्कार लेना, लेकिन उसके लिए समय निकालना नहीं चाहते हैं और संयम धारणा नहीं चाहते। आपको समय निकालना होगा। हमें तो फोन पर ही संस्कार दे दो, उन सबका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आप एक अच्छी संतान को जन्म देना चाहते हो तो आपको उसके लिए समय तो देना ही चाहिए, त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं आप वैसा लाभ ले सकते हैं। इसलिए जो बात यहाँ पर उठाई गई उसका पूरा लाभ सबको लेना चाहिए। अभी महाराज जी ने मुझे संकेत दिया है कि चौक मंदिर में महाराज जी के चातुर्मास में 2 बार गर्भ संस्कार का आयोजन हो चुका। 27 जनवरी को फिर से ये आयोजित है, लोग लाभ ले सकते हैं, इनका लाभ लें। हर माह के 4th रविवार को होता है। इसमें कुछ ब्रह्मचारिणी बहनों का नाम महाराज जी ने दिया है, उन सबके मार्गदर्शन में होता, आप लाभ ले। और भी देश में अनेक लोग ये कार्य कर रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हम लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि देश के कोने कोने में, हर क्षेत्र में गर्भ संस्कार संपन्न कराने वाले लोग हों और दूरी बाधक न हो, लोग निकट में ही इसका लाभ उठा सके, ये प्रयास होना चाहिए। कि तीसरे गुण स्थान से पतन होगा उसका तो सीधा पहले गुणस्थान में कैसे जाएगा, क्योंकि बीच में दूसरा गुणस्थान पड़ता है और पतन का अवस्थान है, तो वो क्यों नहीं आता है इसके बारे में। और इसी तरह से एक दो बातें और हैं।
गुणस्थान के आरोहण और अवरोहण के संदर्भ में तो महाराज जी उस बात को एक तो स्पष्ट कर देंगे हमारे लिए। दूसरी बात एक ये है और भी है इस तरह की बातें कि ये जो मैं प्रोजेक्ट की बात जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी एक योजना है कि आज जैन धर्म को वैज्ञानिक तो माना जाता है पर विज्ञान की दृष्टि से उसका अध्ययन नहीं हो रहा। मेरा कहना ये है कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाए अभी जिसमें कि साइंस के जो मैथमेटिक्स के आप नहीं हो आपके फिजिक्स के हो केमिस्ट्री के हो बायोलॉजी के भी हो उनको भी बुलाया जाए एक एक करके। हमारे जैन दर्शन के जो ज्ञाता हैं विद्वान वही केमिस्ट्री का अथवा एनाटॉमी का ये सब विषयों के जो ज्ञाता हैं हमारे जैन दर्शन के उनको और उनके साथ में बैठ करके जो तत्व का चिंतन हो। क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि हमारे व्यक्ति लोग साइंस को नहीं जानते हैं और साइंस वाले हमारे सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो अगर इन दोनों को मिला करके बैठ करके चिंतन करके किया जाएगा और हमारे यहाँ पर जो उसमें जो है एक हमारा जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपके जो है वो वहाँ पर रहे ताकि हम उसको प्रैक्टिकल भी वहाँ पर करके देख सकें तो विशेष करके आकाश मंडल के बारे में तो एक एक बड़ी भारी चीज हमारे सामने आ जाएगी। तब जो लोग नहीं मानते हैं वो सब भी इसके पंडित जी ने जो पहला सवाल किया गुणस्थानों के आरोह अवरोह के क्रम के संदर्भ की बात ये थोड़ा सैद्धांतिक विषय है इसे विस्तार से मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा लेकिन एक बात कहता हूं जिन्हें गुणस्थानों के बारे में अत्यंत सरलता से जानना है प्रमाणिक ऐप में हमारे दो व्याख्यान हैं लगभग 50 व्याख्यान है जानिए जैन धर्म का मर्म इसी नाम से है ना जानिए जैन धर्म का मर्म उस नाम से 50 व्याख्यान हैं। उन व्याख्यानों को अगर आप सुनेंगे तो 50 दिन में पूरे जैन धर्म की मास्टरी प्राप्त कर लेंगे। उसमें दो व्याख्यान हैं केवल गुणस्थान के विषय में जिसे सुन लेंगे तो गुणस्थान आपके लिए सहज गम्य होगा। सबसे बड़ी बात जैसा अभी पंडित जी ने सवाल किया कि तीसरे से जाएगा पहले में तो दूसरे से तो होके ही जाएगा। हमें अपनी अवधारणा बदलनी है गुणस्थान का मतलब न तो सीढ़ी है न ही स्टेज है। गुणस्थान हमारी आत्मा की अवस्था है जिसे अलग अलग दर्जा दिया गया है। जिस जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस घड़ी में उसे वैसी संज्ञा दी जाती है। संक्षेप में मैं बता रहा हूं जैसे एक हमारी पूर्ण अबोध अज्ञान की अवस्था है जिसे बोलते हैं मिथ्या दृष्टि और एक अवस्था होती है जो ज्ञान और सच्ची श्रद्धा की उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि को सबसे निचले पायदान में रखा और सम्यक दृष्टि को ऊपर के पायदान में। लेकिन मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में भी कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कभी कभी ऐसी अवस्था आती है जब इस जीव में एक साथ दोनों भाव होते हैं मिथ्या दृष्टि की भी और सम्यक दृष्टि की भी तो उसे पहले में रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि नहीं है चौथे में रख नहीं सकते हैं क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है तो उसको तीसरे स्थान पर रखा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे अंदर का मिथ्या दर्शन तो दबा रह जाता है लेकिन कसाई के आवेग में सम्यक दर्शन छूट जाता है। वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें ना मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक दृष्टि तो उसको दूसरे नंबर पर रखा। जो विशुद्धतया मिथ्या दृष्टि हो उसको पहले पे जिसके अंदर दोनों प्रकार की स्थितियां हैं उनको दूसरे पर जिस दोनों प्रकार की स्थिति नहीं है उसे दूसरे पर और जिसे दोनों है उसे तीसरे पर जिसे एक है उसे चौथे पर
और ऊपर की जो बात है वो उसके चारित्र के विकास से है। तो जैसे कर्म के उदय आते हैं, जैसे भाव आते हैं, उसे वो नाम दे दिया जाता है। ये कोई आने जाने और चढ़ने उतरने की बात नहीं है, ये आत्मा की अलग अलग परिणतियाँ हैं, अवस्थाएं हैं, उसे समझना चाहिए। और आप सबको मैं बताऊंगा कि जिस दिन गुनायतन बन जाएगा, बच्चे बच्चे के लिए बात आम हो जाएगी। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बात की है, आपका सुझाव स्वागत योग्य है, इस पर विचार करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान ब्रह्म प्रकाश जी मड़वैया के पिता श्री जीवन प्रकाश जी मड़वैया साहब, स्वागत श्रीमान सख्त गुणायतन, और तैयार रहे प्रोफेसर इंजीनियर अनिल जी जैन दानिश कुंज भोपाल। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा निवेदन है, कहा जाता है जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। मेरा निवेदन यह है कि जिस देश में, जिस समाज में या जिस व्यक्ति में विरोध अंतर विरोध हो, क्या वो प्रगति कर सकता है? देखिए, विरोध अंतर विरोध हो तो क्या वो प्रगति कर सकता है? विरोध अंतर विरोध हमारी प्रगति में बाधा तो बनते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर दृढ़ता और जज्बा हो तो तमाम विरोधों और अंतर विरोधों के बाद भी अपनी प्रगति कर सकता है। आप नदी को देखिए, नदी अपने उद्गम स्थल से सागर तक की यात्रा में निकलती है तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी घाटियों को पार करते हुए जाती है, लेकिन सतत चलते चलते चट्टान को फोड़ते हुए नदी चल जाती है और आगे बढ़ती है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप चलो और आपके साथ कोई विरोध न करे, ये संभव नहीं है। अंतर विरोध न हो, ये भी संभव नहीं है। एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति की यही पहचान है कि तमाम विरोध और अंतर विरोधों के होने के बाद भी अप्रभावित रहे और समाज को रचनात्मक दिशा देकर के आगे चले, इसी में समझ। उपस्थित हों इंजीनियर श्रीमान अनिल जैन दानिश कुंज भोपाल, तैयार हैं डॉक्टर मनीषा जी जैन पंकज भोपाल। सभी गुरुवरों को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मों की निर्जरा एकमात्र साधन बताया गया है, तो मैं इंजीनियर होने के नाते गणित की भाषा में पूछना चाहूँगा, यदि पुण्य को प्लस माने और पाप को माइनस माने, तो जैसे गणित में -3 + 2 = -1 होता है, तो क्या कर्मों का लेखा जोखा अपन सोचे कि आज हम किस स्टेटस पे हैं, हमको कितनी निर्जरा करना पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए? पुण्य को प्लस और पाप को माइनस मानकर हम अगर चलेंगे तो आपका गणित चल जाएगा, लेकिन आत्मा का गणित नहीं चलेगा। मोक्ष चाहने के लिए पुण्य और पाप दोनों को माइनस करना पड़ता है, समझ गए? यहाँ 1 नहीं चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, समझ गए? जी महाराज। तो दोनों को खत्म करो। यदि तुम पुण्य को इष्ट मान करके चलोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुण्य और पाप से ऊपर होने के बाद ही मुक्ति मिलती है। इसलिए ये गणित संसार का है जी। और हमारा पारमार्थिक गणित सबसे ऊपर उठाने की। उपस्थित हैं डॉक्टर मनीषा जी जैन पंकज भोपाल से, तैयार हैं प्रोफेसर महेंद्र जी सिंघई भोपाल। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिवर, जैन समाज में अधिकांशता लोग बड़े ही सात्विक धार्मिक एवं शाकाहार से परिपूर्ण जीवन जीते हैं, फिर वे असाध्य रूप से पीड़ित क्यों हो जाते हैं? इस प्रकार बच्चों के मन में संशय उत्पन्न होता है और वे शाकाहार से विमुख हो रहे हैं, और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि उनको क्या जवाब दें? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल उठाया आपने। वर्तमान में हमारी जो गंभीर असाध्य बीमारियां हैं उनकी वजह आज के भोजन में मिला हुआ जहर है।
आज जितने भी शाक सब्जियां और फल आप खा रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार जो अनाज आप खा रहे हैं रासायनिक खादों और कीटनाशकों से भरा पड़ा है, तो रोज जहर खाएंगे तो सुरक्षित कहां रह पाएंगे। एक तो हाइब्रिड बीज और उसके साथ जहर का छिड़काव, ये कैंसर जैसी महामारी का कारण बन रहा। कैंसर दिनों दिन अब बड़ी विकराल रूप लेते जा रहे हैं, मुझे लगता आने वाले दिनों में महामारी ना बन जाए। पानी भी शुद्ध नहीं, अनाज भी शुद्ध नहीं और हवा भी शुद्ध नहीं, तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। मेरे पास डॉक्टर पीएन जैन कैंसर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, टाटा मेमोरियल में अक्सर आते हैं। एक 2.5 साल का बच्चा कोलकाता में मैं जब था, बड़ा मासूम बच्चा था, उसको ब्लड कैंसर था। मैंने पूछा डॉक्टर साहब इस बच्चे को कैंसर कैसे हो गया, इसका तो कोई खान पान गड़बड़ नहीं और जेनेटिक हिस्ट्री भी इनके परिवार में 5 पीढ़ियों तक किसी की नहीं है, ना इसके नाना के परिवार में ना इसके दादा के परिवार में, फिर कैसे हो गया। बोला महाराज अब कंसेप्ट बदल गया, अब खाने पीने से ही कैंसर नहीं होता, हम रोज जहर खा रहे हैं, माँ के दूध में भी DTT का परसेंटेज आ गया है और कीटनाशकों के प्रयोग का दुष्प्रभाव यह हो रहा है, कीटों का तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हर बार कंपनियां और तेज छिड़काव करने के लिए बोलती है। और कुछ कंपनियों की चाल है जो कीटनाशक आपको देते हैं उससे एक कीड़ा तो मर जाता है और कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं कि दूसरे प्रकट हो जाते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है, ताकि उनके पेस्टिसाइड ज्यादा बिके और इंसेक्टिसाइड उससे ज्यादा खतरनाक। तो फिर बचने का उपाय क्या है, उन्होंने 2 उपाय बताया, मैंने कई बार इस मंच से बोला है, अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए समय समय पर यह मुद्दा उठे तो मुझे बोलने में कोई कठिनाई नहीं, ये तो रोज बोलने की बातें हैं। उन्होंने 2 उपाय बताया, पहला ऑर्गेनिक खाना खाएं, आप अनाज फल सब्जी ऑर्गेनिक लें, अपने घर की छत पर अपना किचन गार्डन बनाएं, 400 स्क्वायर फुट की आपके पास जगह है तो घर के लायक सारी सब्जियां आप उगा सकते हैं। इंदौर में एक युवक है रूपेश जैन, वो पूरा प्लांट लगा करके देता है आपको, उसमें ड्रिप इरिगेशन की सुविधा, ऑटोमेटिक उसमें पानी आ जाता है, आप घर में नहीं भी रहें तो पेड़ नहीं सूखेंगे। आप अपने घर में शुद्ध सब्जियां उगाइए ताकि इससे बच जाइए, बाजार से ऑर्गेनिक अनाज और ऑर्गेनिक फल खरीद करके खाइए ताकि आपकी सेहत सुरक्षित रहे। और दूसरा, यदि ये पूरी तरह संभव नहीं है तो कम से कम अनाज को अच्छी तरीके से धोकर खाइए, पिसे पिसाए गेहूं का आटे का प्रयोग मत कीजिए, सारे अनाज को जो हमारे यहाँ पुरानी परिपाटी धो कर के खाएं। और सब्जियों के विषय में उन्होंने बताया कि जितनी भी सब्जियां आप लाते हैं फल लाते हैं उनको सबसे पहले एक कठौते में पानी डालकर चुटकी भर पोटेशियम परमैंगनेट डाली, जैसे आप पोटास बोलते हैं, पानी लाल होगा और उसमें आप अपनी साग सब्जी जो भी लाए हैं 15-20 मिनट उसमें डाल दीजिए, फिर साफ पानी से धोकर पोंछकर उसे वापरिए, अपने फ्रिज में रखिए, तो इससे काफ़ी कुछ अंशों में आपका बचाव हो सकता है, अन्यथा इस महामारी से बच नहीं सकते। हम पिछले 5 सालों से अनुभव कर रहे हैं, लगभग हर हफ्ते किसी न किसी व्यक्ति का समाचार आता है कि अमुक को कैंसर हो गया, हर हफ्ते प्रायः हफ्ता में एक तो लगभग हो ही जाता है, वो तो वो लोग जो हम लोगों के संपर्क में हैं, तो फिर पूरे देश में क्या होगा। हाँ महाराज कह रहे हैं गुरुदेव के पास तो दिन में 2 आते हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं लोग। तो इसके लिए बहुत समझना चाहिए, खान पान पर शुद्धि रखनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाना को बढ़ावा देना चाहिए, और जो किसान हैं जिनके पास खेती है उन्हें भी चाहिए
कि वे जहर की खेती बंद करें, पाप से बचें, संकल्प लें कि हम कीटनाशकों का प्रयोग किंचित भी नहीं करेंगे, खुद के खाने के लिए भी अच्छा अनाज उगाए, फसल अच्छी उगाए और लोगों को भी खिलाए। अभी जब मैं नेमावर से आ रहा था, 52 गजा से नेमावर आ रहा था, निमाड़ का वो बेल्ट बहुत अच्छा, वहाँ की उत्पादकता बहुत अच्छी है, नर्मदा की नहरें, तो कई प्रसंग ऐसे हुए जहाँ किसानों के घरों में रुकना हुआ, वो लोग देखो जानबूझकर घर के लिए भी जो सब्जी उगा रहे हैं लौकी, उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग और खुद जहर खा रहे। मैंने कहा तुम ही छिड़काव कर रहे हो, तुम ही खा रहे हो। कईयों की आंखें खुली, बोले महाराज आपने सही दिशा दी, बदलाव लाना होगा, एक क्रांति खड़ी करनी होगी, तभी हम देश की खुशहाली को बनाने में समर्थ हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। मैं जी उपस्थित हूँ प्रश्न सर श्री महेंद्र सिंह भोपाल से, अंतिम प्रश्न को लेकर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कथनी और करनी में बहुत अंतर बढ़ रहा है, जिससे समाज में विकृतियां पैदा हो रही हैं। सत्य धर्म को हम 10 लक्षण पर्व में बड़े धूमधाम से पूजन करते हैं, 12 मेरी भावना में भी झूठ कभी नहीं कहा करें ऐसा कहते हैं। किसी ने कहा है महाराज, सच हमेशा फैसला करवाता है, सच हमेशा फैसला करवाता है, लेकिन झूठ मनुष्यों के बीच फासले करवाता है। मुनिवर, फिर क्यों लोग बाग झूठ बोलते हैं, इससे हम कैसे बचें? लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि लोगों को फैसला कम फासला ज्यादा पसंद है। जिन्हें फैसला पसंद होता वो सत्य के अनुयायी होते हैं, अनुगामी होते हैं, और जिन्हें फासला प्रिय होता है वो झूठ का आलंबन लेते हैं।